हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इसे फरे कहते हैं और ये यूपी बिहार में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही लोगों को पसंद आती है ये। तो आज मैं इसकी रेसिपी आपको बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसे आप फ्राई करके भी खा सकते हो और स्टीम करके भी खा सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस रेसिपी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है 1 कटोरी चने दाल और इसे मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, अब इसे मैं 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए मेरा चना दाल फूल चुका है अच्छे से। अब मैं इसे पीसूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं हरी मिर्च और लहसुन पीस रही हूँ। इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून जीरा। चलिए, मैं जीरा ऐड कर लेती हूँ इसमें और इसे अच्छे से हम पीसेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा कम है क्वांटिटी में, तो फ्रेंड्स इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे चना दाल ताकि ये अच्छे से पिस जाए चना दाल के साथ में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे पीस लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिए इस तरीके से हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो देख लीजिए, मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा रेडी हो चुका है। तो बाकी जो चना दाल था वो भी मैंने पीस लिया है। अब मैंने ले लिया है करीब 150 ग्राम चावल का आटा और इसमें डाल रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। फ्रेंड्स, चावल के आटे में हम नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार। अब मैं इसे नॉर्मल पानी से एक डो तैयार करूंगी, आटे जैसा डो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं डो तैयार कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, चावल के आटे में ये ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, आप चाहें तो सूजी में भी बना सकते हैं अगर चावल का आटा आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो। फ्रेंड्स, इस तरीके से एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। देख लीजिए, हमारा डो तैयार हो चुका है। तो अब इसे मैं रख देती हूँ करीब 5 मिनट रेस्ट पे। फ्रेंड्स, अब मैं 5 मिनट बाद अब इसकी एक लोई लूँगी। इस तरीके से एक लोई तैयार कर लिया मैंने, अब इसे अच्छे से मैं बेल लूँगी। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा ये टूटता बहुत है, चावल का आटा बेलने पे काफ़ी फटने लगता है, तो बहुत ही ध्यान से आपको बेलना है। बट फटता है, आप पलोथन लगाते रहिएगा चावल का आटे का। इस तरीके से बेल लेंगे। इसमें मैं हल्का सा पलोथन लगा लेती हूँ। तो देख लीजिए, इस तरीके से मैंने बेल लिया है। इस साइज का अब मैं इसे एक ग्लास से कट करूंगी, गोल गोल पूरी जैसा। तो देख लीजिए, इस तरीके से मैं कट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये यूपी बिहार का बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसको फरे कहते हैं और बहुत सारे नाम इसको देते हैं, लेकिन हम लोग अपने भाषा में फरे ही कहते हैं। इस तरीके से मैंने पूरियाँ तैयार कर ली है। अब इसे मैं चने की दाल की जो स्टफिंग है इसमें मैं भर दूंगी। इस तरीके से हमें फील करना है और इसे ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारा एक फरा तैयार हो चुका है। इस तरीके से मैं सारे फरे तैयार कर लूंगी। फ्रेंड्स, ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और ये हेल्दी रेसिपी भी है, इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है यूपी में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, अब ऐसी पतली सी छन्नी में मैंने ऑयल ग्रीस कर रखा था पहले ही ताकि ये नीचे चिपके नहीं। इस तरीके से मैं सारे फरे तैयार कर लूंगी। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे फरे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको स्टीम करूंगी। फ्रेंड्स, एक पतीले में मैंने बॉईल करने के लिए पानी बैठा दिया था,
तो इस तरीके से मैंने रख लिया। अब इसे इस तरीके से हम ढक लेंगे और करीब हम सिर्फ 7 से 8 मिनट तक इसको स्टीम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं चेक कर लेती हूँ अभी, तो देख लीजिए ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट फरे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसे उतार के सर्व कर लेती हूँ। फ्रेंड्स आप इस तरीके से खाइए तो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगेगा, काफ़ी हेल्दी है बिल्कुल। और फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं, सॉस के साथ इसे सर्व कीजिए, या चटनी के साथ, हरी मिर्च लहसुन की चटनी के साथ खाइए या सॉस के साथ, बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगने वाला है आपको। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक